Assalamu alaikum dear students, uh, this is your teacher Raja Tahir, uh, Government at, uh, UPS Valram Zoon Mawar. Today is 29th of April 2021 and it is class uh, 8, subject is General Science, topic is Coal and Petroleum and subtopic is Exercises. As we have finished the uh, topic Coal and Petroleum and uh, uh, from today we will work on the exercise portion of

तो आंसर मैंने लिखा हुआ है तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे एडवांटेज ऑफ सी एन जी एंड एल पी जी एल पी जी और एडवांटेज और सी एन जी और एल पी जी के जो एडवांटेज हैं जो इसके फायदे हैं इसको इस्तेमाल करने के जो खास खासी फायदे हैं तो उनको हम राइट डाउन करेंगे एडवांटेज फर्स्ट फर्स्ट इज सी एन जी एंड एल पी जी बर्न ईजिली नंबर वन इज CNG and LPG burn. Uh, एक तो इसका बेनिफिट एक एडवांटेज इसका यह है कि सी और जो एल है ये आसानी से जल जाता है जैसे अगर हम लकड़ी को जलाएंगे पहले इसको थोड़ा सा कैरोसिन लगाना पड़ता है या कागज वगैरह का इस्तेमाल कर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जलता है फिर वो चमक जाता है मगर जो सी और एल पी जी है यकायक एक जरक में एक स्पारक से जल जाता है तो ये भी एक इसका एडवांटेज है सेकेंड एडवांटेज इज सी एंड एल गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी वैन बर्न दूसरा एडवांटेज है सी और एल का ये काफ़ी एनर्जी देते हैं क्योंकि जितना जो भी फ्यूल हम जलाते हैं इसकी जो अलग अलग जो हीट आउटपुट होता है अलग अलग होता है जैसे लकड़ी हम जलाएंगे उसकी अलग हीट इंटेंसी होगी इंटेंसी होगी कैरोसिन का अलग है पेट्रोल का अलग है डीजल का अलग है इसी तरह ये सी और एल का अलग अलग है यानी कि अमाउंट ऑफ हीट ऐसे आप समझेंगे जो अमाउंट ऑफ हीट ये देते हैं अगर आप लकड़ी जलाएंगे उसके मुकाबले में अगर आप लकड़ी पे खाना पकाएंगे इसके मुकाबले में अगर आप एलपीजी या सी पे कुछ पकाएंगे वो जल्दी तैयार आ जाएगा क्यों आएगा जल्दी तैयार क्योंकि इससे ज्यादा हीट निकलती है यही इसका मतलब है सी एन जी एंड एलपीजी गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न जब ये जल्द आता है तो ये काफी एनर्जी देता है हीट एनर्जी देन इट इज पॉइंट नंबर थ्री हमने लिखा है सी एन जी सी एन जी एंड एल पी जी कैन बी ट्रांसपोर्ट ईजिली थ्रू पाइप लाइन ये जो सी एन जी और एल पी जी है ये हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं किसमें थ्रू पाइप पाइपस पाइपों के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं जैसे कि बाकी फ्यूल्स को हमें लोड कैरियर या वगैरह या ट्रक वगैरह का इस्तेमाल करना एक अगर ये ईंधन वगैरह है जैसे लकड़ी वगैरह इसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेना चाहिए तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है तो यहाँ पर जो ये जो सी एन जी और एल पी जी है इसको हम सिर्फ पाइपों के जरिए आसानी से ले ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ट इज पॉइंट नंबर फोर इज जो एडवांटेज इसका है चार चौथा एडवांटेज जो इसका है वह है सी एन जी एंड एल पी जी आर क्लीन फ्यूल एंड दे डू नॉट रिलीज समोक वैन बर्नड ये जो सी एन जी और एल पी जी होते हैं ये क्लीन फ्यूल है या, यानी कि पोल्यूशन फ्री कम बहुत कम पोल्यूशन इनसे होता है जैसे हम अगर हम लकड़ी जलाएंगे उससे ज्यादा धुआं निकलेगा समोक निकलेगा समोक यानी कि धुआं निकलेगा और वो फिर हवा को पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट में पोल्यूशन पैदा करता है इसके मुकाबले में जो है सी और एल पी जी है ये क्लीन फ्यूल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे लेस पोलूटेड है इसे धुआं धुआं निकल नहीं निकलता है जैसे आपने देखा होगा अगर आप लकड़ी जलाएंगे उसके ऊपर बर्तन रखेंगे खाना पकाएंगे तो वो काले हो जाते हैं धुआं से एज कम्पेयर टू डेट इफ यू कुक ऑन दी एन जी और एल पी जी एल पी जी गैस पे हम खाना पकाते हैं घर में तो वो बर्तन साफ सुथरे ही रहते हैं उस पर कोई धुआं वगैरह नहीं चढ़ जाता है तो इसी का मतलब क्योंकि ये क्लीन फ्यूल्स है तो ये भी एक अच्छा खासा एडवांटेज है इसका यूजिंग सी एन जी एंड एल पी जी एज फ्यूल्स देन वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू ऑफ योर एक्सरसाइज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम दैट इज नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूजड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोडस हमें उस आ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आ, जैसे उस बहुत सारे पेट्रोलियम प्रो, प्रोडक्ट्स हैं कोक है कोलटार है, कोल है वगैरह है तो हमें कहा जा रहा है कि आप उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताइए जो हम सरफेसिंग ऑफ रोड्स जो हम रोड रोड बनाते हैं उसके ऊपर जो सरफेस वाली जो काली लेयर होती है जो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं तो उसका नाम है ए टमिन है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो किसके लिए सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए, लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जो टॉप लेयर होती है मैगडमाइज लेयर होती है वो ब्लैक टॉप होता है उसी में ये विटोमिन इस्तेमाल होता है वो विटामिन ही होता है जो हमें रोड बनाने कंस्ट्रक्ट के अपर टॉप लेयर बनाने में मदद करता है तो इसको आंसर हो गया है देन इट इज क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फार्म फ्राम डेड वेजिटेशन व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड जैसे कि मैंने आपको क्लास के दौरान जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे अच्छी तरह से समझा है कि कोल फार्मेशन किस तरह होती है तो वही जवाब हमें लिखना है कि कोल कैसे बनता है डेड वेजिटेशन से और इस उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कोल फार्मेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरह है कि जो मिलियंज ईयर्स एगो काफ़ी साल पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स आगो क्या हुआ था एक जब ये नेचुरल प्रोसेसेस हुए थे जैसे आ, बहुत सारे फ्लड्स आए थे इर्थ क्विक वगैरह और ये जो डेड फॉरेस्ट जंगलात वगैरह थे और ये जो वेजिटेशन थे वेजिटेशन हो गए ग्रीन वेजिटेशन पेड़ पौधे वगैरह ये जो आ, दब गए थे इसके नीचे फिर उसके ऊपर काफी डिपॉजिशन हो गई की उसके ऊपर चढ़ते गए तो फिर ये जब स, इतनी ये फारेस्ट वगैरह ये, 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 ये डेड वेजिटेशन दब गई सॉयल के नीचे तो सॉइल के नीचे क्योंकि इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया और प्रेशर भी इंक्रीज हो गया तो इन दो चीजों की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जमीन के नीचे ये जो डेड वेजिटेशन थे ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गई किसमें कोल में, में कन्वर्ट हो गई तो इस सारे प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते यही इसका आंसर है मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊं तो ये क्या लिखा हमने इसका आंसर ऐसे हमने लिखा डेंस फॉरेस्ट गॉट अंडर द दॉयल ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस मिलियंस ऑफ इयर्स एगो मोर एंड मोर सॉयल गॉट डिपॉजिटेड ओवर इट एंड इट गॉट मोर कम्प्रेसड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर this dead vegetation underneath the soil slowly got converted into coal the whole process of conversion of dead vegetation into coal is known as carbonization there, those were the, those are the three questions which uh, we did today and uh, i will also uh, upload a screenshot of the piece of paper uh, on which uh, I have uh, uh, written these uh, uh, three questions. I hope you will uh, uh, write down it, these three questions in your science exercise books and will memorize uh, them in your homes.

Home, in order to avoid uh, this uh, deadly coronavirus and disease. Inshallah, tomorrow we will meet with another topic. Till then, it is goodbye.